हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हेलो सलाम नमस्ते आदाब सत कैसे हैं सभी लोग एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ एक बार जल्दिस जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी आ जाओ क्योंकि आज बहुत कुछ होने वाला है आपके लिए आज एक ऐसी चीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो आपको बताएगा कि वाई वी यूज़ गियर क्यों पढ़ा हमने वो चैप्टर क्यों पढ़ा हमने ये चैप्टर इस चैप्टर के बारे में आज आपको एप्लीकेशन पता चलने वाला है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गियर गियर का यूज हम आगे चल के कैसे किए और हमारे इतिहास में क्यों आया गियर ट्रेन गियर ट्रेन का हमारे इतिहास में क्या रोल है और क्यों हम इसको पढ़ते हैं और क्यों गियर ट्रेन इतना इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इन सब बातों पे चर्चा होगी और स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को बहुत ही बेहतरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसा आप सभी लोग जानते हो गियर ट्रेन के क्वेश्चन करने में हालत खराब हो जाती है तो इस चीज को करने आया हूं आसान अगले दो से तीन दिन आप हमारे साथ जुड़े रहो गियर ट्रेन की धज्जिया उड़ाने चल रहे हैं हम लोग तो चलिए स्टार्ट करते हैं so, सो हूं आपके अपने अन अकेडमी गेट एमपीआई पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा नाउ मेरे प्यारे भाइयों चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी एक नए जोश के साथ बिल्कुल चलिए मेरे प्यारे भाइयों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपना इंट्रो देना टाइम्स गेट टॉप रैंकर एम फ्रॉम आई आई ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस सब्जेक्ट अगेन बाई मी इज हार्ट एंड सोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग

एक्सेस कर लो द पासवर्ड इज वॉट आ लोक लाइक सर फ्री लेक्चर क्या चल रहा है सर फ्री लेक्चर पे बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था फ्री लेक्चर में उम्मीद टेस्ट सीरीज चल रही है सर आज होगा क्या बिल्कुल होगा आज टेस्ट होगा और आज के टेस्ट का लिंक मैंने टेलीग्राम पे भेज भी दिया आप लोग जाकर देख सकते हो तो सभी को मेरा राम राम सभी को मेरा दुआ सलाम सभी को मेरा जय हिंद है और पिछले दो दिनों में मैंने सिंगल एक एक दो दो क्लासेस ही ली है रीजन बिहाइंड दिस थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेडिकल इश्यू भी था थोड़ा टेक्निकल इशू भी था मेरा ठीक है ना तो मेरे प्यारे भाई उन सबको दूर करता हुआ मैं आपके सामने आ चुका हूं चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन सेशन को Now, आलोक अगर पासवर्ड है मेरे बच्चे तो आलोक लाइव का और क्या यूज हो सकता है हाँ आलोक लाइव का यूज आप अन एकेडमिक कॉम्बैट पर कर सकते हो यस yes, अनिक कॉम्बेट में, में मेरे भाई यहाँ पासवर्ड यूज करना आलोक लाइव यहां जो आपको अनलॉक करना अनडमिक कॉम्बेट को आलोक लाइव से बिल्कुल अनएकेडमिक कॉम्बेट को अगर आपको यूज करना है तो आलोक लाइव यूज करिए और अन एकेडमी कॉम्बेट का हिस्सा बन जाइए इसके अंदर एक घंटे में 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं बड़े ही मजेदार तरीके से और सारे क्वेश्चन जो होते हैं हम ही फैकल्टीज बनाती हैं ठीक है ना और क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो लेवल ए टू जेड होता है मजेदार लेवल आप देखोगे वहां आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ सर जी अनअकैडमी पर फॉलो करने का आपका लिंक बहुत सारे बच्चे मांग रहे थे सर जी ये रहा लिंक unacademy.com@/at the rate aloklive आपको बस ये गूगल क्रोम में जाकर क्लिक करना है मेरा पेज सीधे खुलेगा और मेरी सारी स्पेशल क्लास आप वहां से देख सकते हो स्पेशल क्लास सेक्शन में जाकर नाउ आलोक लैब एक कोड है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप, अगर आप लेना चाहते हैं प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मेरे भाइयों प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन तो प्लस आपको डाउट क्लियरिंग सेशन वीकली टेस्ट क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस रैंक मटेरियल प्रैक्टिस सेट स्टडी प्लानर ये सब मिलता है बस एक कोड यूज करने पर दैट इज आ लो क्लाइम सर ये क्यों बता रहा हूं बेटा मैं आपको बार बार कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से लो आलोक लाइफ कोड यूज करोगे तो 10 परसेंट का तो डिस्काउंट मिलेगा ही उसके साथ साथ 10 तरीके के फायदे भी मिलने वाले हैं और आपको तो पता होना चाहिए ये बात कि अगर आप आलोक लाइफ कोड यूज करते हैं तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे तीन महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है मतलब टोटल पंद्रह महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है बारह महीने के कॉस्ट पे अगर आप बारह महीने के कॉस्ट पे पंद्रह महीने का सब्सक्रिप्शन देखते हो तो दस परसेंट का नहीं पच्चीस परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है आपको तो इस चीज को समझो मेरी बात आलोक लाइफ कोड लगाने पर आपको दस परसेंट का डिस्काउंट सामने दिख रहा है लेकिन पंद्रह महीने का सब्सक्रिप्शन बारह महीने के रुपीज में दैट मीनस अप्रोक्स ट्वेंटी का डिस्काउंट आपको मिल रहा है और आलोक लाइव एक टेलीग्राम चैनल है मेरे प्यारे भाइयों आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल पर जुड़ोगे तो सारा पीडीएफ नोट सब मिलने वाला है और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज आने वाला है कल ठीक है ना जिसके अंदर आप लोगों को पता चलने वाला है मेरी सारी क्लासेस का जो प्ले आप लोग ढूंढ रहे हो वो सब आपको मिल जाएगा ठीक है ना एक ऐसी चीज क्रिएट हो रही है उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा और आज रात से सोम का क्लास स्टार्ट हो जाएगा माफ करिएगा दो दिन से नहीं चल रहा है उसके लिए ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है सर जी दो दिन की बात कोई दिक्कत नहीं अब आज से रेगुलर चलेगा टेंशन मतलब और उम्मीद टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है दिन में बारह बजे पहला टेस्ट उसके बाद एक बजे दूसरा टेस्ट है तो जुड़ जाइएगा इसके साथ ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट इज गियर सभी को मेरा राम राम सभी को मेरा दुआ सलाम सभी को मेरा जय हिंद है एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख देंगे और सेशन को लाइक कर देंगे ताकि हम नए एनर्जी से स्टार्ट कर सकें चलिए एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखेंगे बिल्कुल 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 मैं रिकवर हो गया हूँ ब्रजेश अब मैं ठीक हूं कोई दिक्कत नहीं है बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ठीक है अपन रिकवर हो गए बहुत ही सही तरीके से ठीक है ना एनर्जी आपको मेरी दिख रही होगी एक नए तरीके एक नए जज्बे के साथ ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ गियर ट्रेन क्या है गियर ट्रेन सर जी ट्रेन का नाम तो हमने सुना ये क्या है ट्रेन ये क्या है ट सर दिस इज ट्रेन ये क्या है जी? सर जी ट्रेन दिस इज वेन अच्छा गियर का ट्रेन मतलब ये इज इज द द ट्रेन मीनिंग ऑफ ट्रेन फर्स्ट ऑफ ऑफ ऑल इज द मीनिंग ट्रेन कोई बताएगा वट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेन कोई बताएगा बेटा मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं गेट में ये चार नंबर का आना तय होता है यहां से चार नंबर के क्वेश्चन गियर से बनते हैं तो यहां से जरूर बनता है चाहे जो हो जाए दो नंबर का एपी साइकिल गियर ट्रेन या रिवर्टेड गियर ट्रेन या कंपाउंड गियर ट्रेन से क्वेश्चन बनना तय होता है जिसके लिए आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है चलो रे बाबा यस सर हाउ मेनी आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टोम आई डोंट नो ओके इसका जवाब ये जितने देर में तुम्हें समझ में आ जाएगा उतनी देर पढ़ाऊंगा दैट्स इट अब वो चाहे सौ घंटा लगे चाहे वो 200 घंटा लगे चाहे वो 80 घंटा लगे चाहे वो 60 घंटा लगे ठीक है ना वो तुम पूछो मत तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लास लो ठीक है ना आ, किसने पूछा था मिस्टर शिवा ओके ऑफ गियर ट्रेन कॉन्सेप्ट ऑफ गियर ट्रेन वॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेन सर द ट्रेन मीन्स कॉम्बिनेशन ट्रेन मीन्स वॉट ट्रेन मीन्स कॉम्बिनेशन या Train means combination and gear car train that means the combination of the gear. The combination of gear. So, first of all, what is a gear train? First of all, gear train. We are saying yeah. Gear train. Gear train. Train means combination. train means combination train means combination okay and the gear is gear so my dear friend the first thing is what what is gear train the combination of gear what is gear train combination of gear now my second question is my second question is why we study gear train Why we use gear train? आपके भी दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन क्यों भाई हम इससे खुश नहीं है क्या क्या हम दो गियर घूम रहे मीनिंग ऑफ गियर ट्रेन द मीनिंग ऑफ गियर ट्रेन इज कॉम्बिनेशन ऑफ गियर नंबर सेकंड क्वेश्चन इज वाई बी यूज गियर ट्रेन एन इन वाई बी यूज गियर ट्रेन गाइज प्लीज लाइक दिस गियर ट्रेन वाई वी यूज द गियर ट्रेन नाउ माई डियर फ्रेंड लुगेट दिस अगर मैं आपसे कहूं यहां दो गियर अभी तक रोटेट कर रहा था अभी तक आप गियर पढ़ रहे हो आज आपसे पढ़ रहे हो गियर ट्रेन सी दिस अभी तक आपने ये दो गियर पढ़े जी सर गियर पढ़े एक ड्राइवर था और एक ड्रीवेन था बोलो हाँ ना यस yes, सर एक ड्राइवर था एक ड्रीवेन था ओके सर नाउ अब मैं आपसे पूछता हूं यू कैन सी दिस इसका टीथ मैं ऐसे बोलता हूं इसका टीथ टी वन था इसका टीथ टी टू था इसका ओमेगा वन था इसका ओमेगा टू था इसका रेडियस आर वन था इसका रेडियस आर टू था यस और नो यस और नो माय डियर फ्रेंड लुक एट दिस यस सर सर अगर मैं इसका चेक करूं क्या वेलोसिटी रेशियो जॉसिटी रेशियो सर वेलोसिटी रेशियो इज आर वन ओमेगा टू सुटेबल लगे जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे वो ड्राइवर है तो उसका ऊपर रखते हैं ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू गाइज वट इज दिस ट इज दिस सर दिस इज दी रेशियो ठीक है ना दिस इज द वॉट दिस इज वेलोसिटी रेशियो नाम जब गियर पढ़ा मेरे बच्चे ध्यान सुनना है जब हमने गियर पढ़ा तो हमने पढ़ा विलोसिटी रेशियो इज डिपेंड ऑन वट वेलोसिटी रेशियो किस पे डिपेंड कर रहा है हमने जब गियर पढ़ा तो हमने पढ़ा विलोस्टी रेशियो इज डिपेंड ऑन रेडियस Velocity ratio is on radius. Now, मैंने बोला कि अगर मैं बात कर रहा हूं सुनिएगा ध्यान से अगर मैं बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी रेशियो इज टू इसका मतलब इसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस क्या होगा टू आर होगा तभी तो विलोसिटी रेशियो टू हो गया मतलब इसकी स्पीड ओमेगा टू समिंग है तो इसकी स्पीड दो गुनी है समझ रहे हो बात अगर मैं बात करूं रेशियो की तो अभी तक हम जब ये गियर पढ़ रहे थे दिस इज वॉट दिस इज गियर दिस इज नॉट अ गियर ट्रेन ये गियर है ये गियर ट्रेन नहीं है मेरे भाई ध्यान से एक ड्राइवर एक ड्रिवेन मैंने कहा कि मेरे को विलोस्टी रेशियो दिखाओ तो आपने विलोस्टी रेशियो ये निकाल के दे दिया मुझे और आपने मुझे कहा कि ये विलोस्टी रेशियो में सा कांस्टेंट होती है क्योंकि ये लॉ ऑफ गियर है हमने कहा यस ना सुनिएगा मैंने कहा यार एक काम करो मेरा इतने वेलोसिटी रेशियो से काम नहीं चल रहा है को थोड़ा बढ़ा ना, तो को थोड़ा बढ़ा इसका मतलब क्या है साइज ऑफ गियर बिकॉज इज डिपेंड ऑन रेडियस वी इंक्रीज द साइज ऑफ गियर नो नाउ मैंने बोला टू चाहिए तो आपने क्या करा दिस इज आर दिस इज टू आर तो आपने क्या करा एक आर रेडियस का गियर बनाया एक टू आर रेडियस गियर बनाया तो आपने रेशियो किया तो वेलोसिटी रेशियो इज टू यस और नो देखो आर वन इज दिस सो इफ दिस इज टू आर एंड दिस इज आर सो द वेलोसिटी रेशियो इज टू यस और नो आर वन इज टू आर इसको दो गुना रेडियस का बनाया इसको क्या बनाया एक रेडियस का सो दिस इज व्हाट दिस इज द रेशियो इज टू नाउ माई डियर फ्रेंड बहुत अच्छा लगा सुन के कि एक आर का है एक टू आर का है अब मैंने बोला धीरे धीरे मेरी इच्छा बढ़ती गई इंसान की इच्छा खत्म नहीं हो सकती मेरे बच्चे ध्यान से सुनते रहना okay. इंसान की इच्छा खत्म नहीं हो सकती मेरे ध्यान से सुनते रहना मैंने बोला एक काम करो कहता क्या मैंने बोला कि मुझे टेन चाहिए कितनी चाहिए टेन चाहिए या विलॉस्ट्री रेशो कितनी चाहिए ट्वेल्व चाहिए तो आप क्या करोगे सर ये आर तो ये कितने का ट्वेल्व आर बोले तो अगर आर इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर सो दिस इज वॉट वन ट्वेंटी सेंटीमीटर आर यू गेटिंग सेंटीमीटर का मतलब है का एक गियर समझ रहे बढ़ाना है कितना ट्वेल्व करना है अगर आपको ट्वेल्व करना है सो माई डियर फ्रेंड हमें क्या करना पड़ेगा इसका रेडियस एक सौ बीस सेंटीमीटर और इसका रेडियस दस सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा बोलो हा या ना दस no, सेंटीमीटर वाला कितना होगा इतना बड़ा गियर होगा जस्ट इमेजिन जस्ट इमेजिन जस्ट इमेजिन की दस सेंटीमीटर वाला गियर कितना दस सेंटीमीटर वाला गियर कितना होगा समथिंग लाइक दिस ओके नेंटीमीटर गियर कितना बड़ा होगा लाइक दिस ये सर मो बताओ ओके सी दिस अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे बच्चे कि ये 120 सेंटीमीटर का और ये 10 सेंटीमीटर आपको क्या लग रहा इसका है इसका वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा रेशियो इज 12 नाउ फॉर हाइयर वेलोसिटी रेशियो छोटा वेलोसिटी रेशियो है तो टेंशन नहीं है हाइयर विलोसिटी रेशो दस सेंटीमीटर का एक सौ बीस सेंटीमीटर का किसी चिंटू की इच्छा हो गई मेरे को चालीस विलोसिटी रेशियो चाहिए तो मतलब ये चार सौ सेंटीमीटर का ये दस सेंटीमीटर का है कि नहीं यस सर बिल्कुल मेरे भाई जरा मेरे को साइज देख कर बताओ एक चीटी है एक हाथी है मतलब एक छोटा सा है और एक इतना बड़ा है आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है अगर ये ड्राइवर हो भी गया अगर मान लीजिए ये ड्राइवर हो भी गया कल को और ये ड्रिवेन हो भी गया मेरे भाई अगर ये कल को ड्राइवर हो भी गया तो आपको क्या लगता है ये रोटेट करेगा और ये ये इसको धक्का दे पाएगा आपको लग रहा है ये इसको धक्का दे पाएगा आपको लग रहा है चीटी कभी हाथी को धक्का दे पाएगी आगे सर मैंने तो ये सोच के ड्राइवर बनाया ताकि कम टॉर्क लगेगा लेकिन इतने बड़े को घुमाने के लिए तो मेरी जान सूख जाएगी इतना धक्का मारना पड़ेगा तो माई डियर फ्रेंड अगर मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो अगर आप देखते हो अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो की बात करते हो तो फिर आपका हालत खराब होने वाला है अगर आप सिर्फ गियर का यूज करते हो तो ठीक ना देखो लार्ज डिस्टेंस वाला पूरी दुनिया जानती है वो मैं भी थोड़ी देर में मैं भी बताने वाला हूं बट ये बहुत कम बच्चे जानते हैं वाई वी यूज द गियर ट्रेन बिकॉज फॉर वेरी लार्ज वेलोसिटी रेशियो वी कांट यूज द सिंपल गियर वी कांट यूज सिंपल गियर फॉर फॉर वेरी लार्ज वेलोसिटी रेशियो ओके सो यू कैन सी दिस अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं मेरे बच्चे फॉर वेरी लार्ज वेलॉसिटी रेशियो वी कॉन्ट यूज सिंपल गियर ओके हम ऐसे सिंपल गियर यूज नहीं कर सकते फॉर वेरी हाई वेलोसिटी रेशियो, ओके? फॉर वेरी लार्ज वेलोसिटी रेशियो तो उसके करने के लिए बेटा अगर लार्ज वेलोसिटी रेशियो करना है तो अपन ने क्या लगाया बहुत सारे कॉम्बिनेशन लगाए एक गियर से दूसरे गियर का दूसरे से तीसरे का ऐसे करते 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 हमने क्या किया वेलोसिटी रेशियो धीरे धीरे करके बढ़ा दिया ओके okay? डन तो बेटा हमारा क्या हुआ फॉर लार्ज वेलोसिटी रेशियो हम ऐसे गियर का यूज नहीं कर सकते दूसरा बेटा ये क्वेश्चन है हमारा दिस इज अवर क्वेश्चन एंड दिस दिस इज इज आंसर 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 ओके मैं आपको यहीं दे रहा हूं वाई वी यूज द गियर ट्रेन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है सेकेंड पॉइंट देखो जो सेकेंड पॉइंट है वो पूरी दुनिया जानती है वो भी मैं आपको लिख के यही दिखा ही देता हूं फॉर सेकेंड पॉइंट फॉर लार्ज सेंटर डिस्टेंस अगर मान लीजिए आपको ज्यादा दूरी में पावर ट्रांसमिट करना है जैसे मान लीजिए आपको यहां से यहां पे पावर ट्रांसमिट करना है तो आप क्या करिएगा अगर मान लीजिए आपको यहां से यहां पे पावर ट्रांसमिट करना है तो आप क्या करिएगा जरा सोचिए लेट अस सपोज क्या करना है आपको सुनिएगा ध्यान से अगर मान लीजिए आपको इस सेंटर से इस सेंटर पे पावर ट्रांसमिट करना है तो आपकी मजबूरी क्या है अगर आप सिंपल गियर ट्रेन बनाओगे तो एक गियर इतना बड़ा बनाओगे बोलो हां या ना यस और नो और दूसरा गियर कैसे बनाओगे दूसरा गियर आप इतना बड़ा बनाओगे बोलो हां या ना यस और नो बताइए आप एक गियर इतना और एक गियर इतना बड़ा बनाओगे यस और नो जी सर अगर फॉर लार्ज सेंटर डिस्टेंस की बात है तो लार्ज सेंटर डिस्टेंस में अगर आपको डिस्टेंस में पावर ट्रांसमिट करना है तो एक गियर छोटा एक गियर बड़ा अपने आप बन जाएगा जी सर अब दूसरा टेंशन ये है कि सर इतना बड़ा गियर क्या इतना स्पेस हमारे गाड़ी में होगा क्या किसी मशीन में होगा जिसमें हमको गियर लगाना हो लार्ज सेंटर डिस्टेंस में नहीं सर तो इतना डिस्टेंस हमारे पास नहीं रहता इतना स्पेस हमारे पास नहीं रहता इतना स्पेसियस अगर होगा तो बहुत बड़ा अमाउंट का बहुत लार्ज अमाउंट का हमारे पास मशीन बनेगा या मान लीजिए गियर बॉक्स जो इतना बड़ा होता है सही से ठीक ना वो इतना बड़ा सही से होता है गियर बॉक्स उतना भी नहीं होता होता इतना ही है वो गियर बॉक्स हमारा कितना होगा इतना बड़ा बनेगा जो आपको दिखाई भी नहीं देगा ठीक इतना बड़ा हो जाएगा मेरे भाई ध्यान से देखा तो सेंट्रल डिस्टेंस अगर लार्ज करोगे तो गियर बड़े बड़े बनेंगे सिंपल गियर ट्रेन इसलिए इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया फॉर यूज फॉर लार्ज सेंटर डिस्टेंस यूज फॉर लार्ज सेंटर डिस्टेंस ठीक है ना गियर ट्रेन का यूज करते हैं किसके लिए फॉर लार्ज सेंटर डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन क्लियर माई पॉइंट यस और नो लार्ज सेंटर डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन दट इज वी कैन यूज द गियर ट्रेन सो वाई वी यूज द गियर ट्रेन सर बिकॉज वी कैन इंक्रीज वी कैन यूज द लार्जिटी रेशियो एंड वी कैन ट्रांसमिट द लार्ज सेंटर डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन ओके लार्ज डिस्टेंस में पावर ट्रांसमिट करना है लॉन्ग डिस्टेंस में पावर ट्रांसमिट करना है तो हम बेल ड्राइव यूज करते थे बट बेल ड्राइव को हटाकर हंड्रेड पावर ट्रांसमिट करने वाला डिवाइस लेकर आ गए दट इज वॉट गियर ट्रेन

गियर ट्रेन कहता है कि इसके अंदर कई सारे ड्राइवर होंगे कई सारे ड्रिवेन होंगे ठीक है ना तो कई सारे ड्राइवर होंगे इसका मतलब तो इस सर तो इसने इसको घुमाया तो ये ड्राइवर ये ड्रिवेन, तो सर इसने इसको घुमाया तो ये ड्राइवर ये ड्रिवेन, यस सर तो ऐसे ही कई सारे ड्राइवर कई सारे ड्रिवेन होंगे आर यू गेटिंग माय माइंड ए ने बी को घुमाया तो ए ड्राइवर बी ड्रिवेन बी ने सी को घुमाया तो बी ड्राइवर सी ड्रिवेन यस और नो तो कई सारे ड्राइवर कई सारे ड्रिवेन होंगे लेकिन एक मेन ड्राइवर होगा दिस इज वॉट सबसे लेफ्ट में जो है सो दिस इज व्हाट दिस इज द मेन ड्राइवर ये क्या होता है दिस इज द मेन ड्राइवर और एक मेन ड्रिवेन होगा ठीक है ना मेन ड्रिवेन होगा ठीक है ना तो मेन ड्राइवर होता है एक मेन ड्रिवेन होता है मतलब मेन ड्राइवर पे एक साफ्ट होगा एक मेन ड्रीवेन पे साफ्ट होगा और उसके बीच में कई सारे गियर होंगे यहां तो एक ही रेड कलर दिख रहा है कई सारे हो सकते हैं ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन पर कितना सेंटर डिस्टेंस चाहिए उस पर डिपेंड करता है जैसे मुझे यहां से यहां तक कहीं सेंटर डिस्टेंस पे पावर ट्रांसमिट कराना था ठीक ना तो मैंने क्या किया एक ही आइडलर लगाया जो मेन ड्राइवर मेन ड्रिवेन के बीच में होते हैं उनको क्या कहते हैं देखो इन दोनों के बीच में है बीच को क्या कहते हैं बेटा ये है इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट गियर इनको क्या कहते हैं इंटरमीडिएट गियर ठीक ना जो बीच में होते हैं उनको क्या कहते हैं इंटरमीडिएट गियर जस्ट अ सेकंड ये पेन चेंज करते हैं या उस pencil लिखा नहीं या दिस इज वॉट इंटरमीडिएट गियर ठीक है ना सो so, मेरे भाई मेन ड्राइवर मेन ड्रीवन के बीच में गियर है दैट इज इज व्हाट दिस द इंटरमीडिएट गियर इसी का दूसरा नाम होता है बेटा आइडलर इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा आइडलर याद रखिएगा एक मेन ड्राइवर होता है एक मेन ड्रिवन होता है एक आइडलर होता है उसको इंटरमीडिएट गियर कहते हैं तो गियर ट्रेन इज वॉट गियर ट्रेन इज मैकेनिकल सिस्टम पहला वर्ड आपको यह ध्यान रखना है कई लोग क्या करते हैं गियर ट्रेन का डेफिनेशन अगर कहीं पूछा जाता है तो वो बताते हैं गियर ट्रेन इज अ डिवाइस ठीक है ना या कहते हैं गियर ट्रेन इज एलिमेंट ठीक है ना ये सब वर्ड गलत है गियर इज एलिमेंट बट गियर ट्रेन इज नॉट अ एलिमेंट है ना तो दिस इज द मैकेनिकल सिस्टम फॉर्मड बाय माउंटिंग गियर्स वो कैसे फॉर्म किया जाता है माउंटिंग गियर ऑन द फ्रेम सो दैट द टीथ आर गियर आर एंगेज्ड ठीक है ना सिंपल सब पहला चीज ये क्लियर रखो गियर ट्रेन क्या है मैकेनिकल सिस्टम है गियर टीज डिजाइन इन श्योर अस सर्किल इंगेजिंग मतलब सारा गियर आपस में मैश कर रहा है तो उसका सारा पिस सर्किल पे कॉन्टेक्ट हो रहा है ओके okay. ना मेरे बच्चों मेरे को एक चीज और सुनना है यहां तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेन ड्राइवर आइडलर गियर और मेन ड्रिवन ठीक है ना ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मैं यहां लिख लेता हूं एक क्या है मेन ड्राइवर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एम डी वी आर कहेंगे एम फॉर मेन डीवीआर मतलब ड्राइवर नाउ सेकेंड इज इंटर मीडिएट गियर इंटरमीडिएट गियर या इसी को हम आगे चल के क्या कहेंगे आइडलर थर्ड इज मेन ड्रीवन ठीक इसको हम क्या कहेंगे एम डी वी एन ठीक ना ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा मेन ड्राइवर को एम डी वी आर ड्राइवर डी वी आर ड्राइवर डी वी एन ड्रीवन ओके एम डी डी वी वी आर एम एन और आइडलर ये तीन शॉर्ट फॉर्म रहेगा शॉर्ट नेम और होता ये तीन चीजें हैं इन तीन चीजों की हेल्प से ही हम गियर ट्रेन बना सकते हैं मेरे बच्चे अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ द गियर ट्रेन सो द मेन ड्राइवर इंटरमीडिएट गियर और मेन ड्रिवन इस थ्री आर ओके okay. इन्हीं तीन से हम गियर ट्रेन अपना बना सकते हैं जिससे हम वेलोसिटी रेशियो इंक्रीज कर सकते हैं जिससे हम सिस्टम का सेंटर डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं ठीक है ना लार्ज सेंटर डिस्टेंस और हाई वेलोसिटी रेशियो पे हम यूज कर सकते हैं ठीक ना अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि गियर ट्रेन में हम लोग क्या मतलब किस चीज के लिए आए हैं तो आप हमेशा कहोगे विलोस्टी रेशियो बढ़ाने के लिए आए हैं गियर ट्रेन में यही रीजन है कि जब आप गियर ट्रेन में इंटर करते हो तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है स्पीड रेशियो वेलोसिटी रेशियो स्पीड रेशियो एक ही चीज है ध्यान रखिएगा सो दिस इज द स्पीड रेशियो ठीक है ना अभी मैं आता हूं आपको इस चीज में बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड रेशियो की ठीक ना अभी मैंने एक पेज आपको यहाँ रोका हुआ है इस पेज पे भी हम थोड़ी देर बाद आएंगे स्पीड रेशियो की बात करते हैं स्पीड रेशियो क्या होता है सर जी एक होता है मेन ड्राइवर एक होता है मेन ड्राइवर ओके स्पीड रेशियो जिसको हम एसआर भी कहते हैं वो होता है

आप देखिए यहां मैंने आपको यही चीज करके दिखाया था मेन ड्राइवर कौन है टू है तो मेन ड्राइवर मेन कौन है One है तो मेन 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 तो ड्राइवर वेलोसिटी रेशियो इसी को कहेंगे आगे चल के क्या स्पीड रेशियो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है बोलो हाँ या ना 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 ओमेगा 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 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता होता है 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 इसका मतलब मेरे मेरे बच्चे omega जैसा वैसा ही तो तो मेन 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 ड्राइवर ड्राइवर ऑफ ऑफ ठीक ठीक स्पीड रेशियो क्या होता है? आज के बाद इसको क्लियर बच्चों इतना क्लियर है बोलो हाँ या ना ठीक है एक होता है स्पीड रेशियो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा स्पीड रेशियो यही बढ़ाने के लिए हम लोग गियर में आए हैं यही बढ़ाने के लिए हम लोग गियर ट्रेन का यूज कर रहे हैं स्पीड रेशियो का अच्छा एक होता है ट्रेन वैल्यू ट्रेन वैल्यू का मतलब यह होता है कि गियर ट्रेन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो क्या होता है गियर ट्रेन की कुछ वैल्यू तो गियर ट्रेन की वैल्यू देखने के लिए ट्रेन वैल्यू हम लोग देखें दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड रेशियो ट्रेन वैल्यू इज़ ऑलवेज रेशी ऑफ स्पीड रेशियो आप कह सकते हो सो so, अगर वन बाई स्पीड रेशियो तो जाहिर सी बात है इसका फॉर्मूला क्या होगा उल्टा हो जाएगा ओमेगा ऑफ मेन ड्रीवन टू मेन ड्राइवर जस्ट अपोजिट हो जाएगा या इसी को आप एन बी अगर ओमेगा उल्टा हो गया तो एन बी उल्टा हो जाएगा मेन ड्रीवन टू दिन ड्राइवर ठीक है ना तो आपको ये दोनों चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी गियर ट्रेन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होता है मेन 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 ड्राइवर ड्राइवर ड्रिवन ड्रिवन और आइडलर गियर ठीक ठीक ना ना ओमेगा ऑफ टू द दैट इज स्पीड रेशियो इसी को हम लोग कहते हैं उल्टा अगर एन के फॉर्म में लिखते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ट्रेन वैल्यू इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड रेशियो जो उल्टा होता है ओके तो इतनी बात क्लियर रखिएगा हमेशा मेरे बच्चे ओके इतनी बात क्लियर रखेगा ओके डन ठीक है ना चेन ड्राइव इज ऑल्सो यूज फॉर लार्ज पावर ट्रांसमिशन ओके जिसका हम जिसकी स्टडी हम लोग करेंगे मशीन मशीन डिजाइन डिजाइन में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको पढ़ाने वाला ओके सेंट चेन ड्राइव इज फॉर लार्ज पावर ट्रांसमिशन लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन ओके डियर इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर तो स्पीड रेशियो ट्रेन वैल्यू इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ठीक है ना आने वाले पीएसयू एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ना ना अब बात आती है कि सर आइडलर गियर के बारे में बात करते हैं। कहीं कहीं क्या होता है दो गियर के बीच में बेटा ये ब्लू कलर जो देख रहे हैं एक मेन ड्राइवर एक मेन है, मेन ड्राइवर मेन रेड कलर जो देख रहे हैं दिस इज आइडलर ओके कभी कभी आइडलर एक होता है कभी कभी आइडलर दो होता है तो सर कितना भी हो सकता है ये कहा नहीं गया है तो इसका मतलब है आइडलर कभी कभी ऑर्ड संख्या होता है कभी कभी आइडलर इवन में होता है ना अच्छा आइडलर का यूज करके हमें और क्या फायदा मिलता है मैं आपको वो चीज थोड़ा बता देता हूं देखिए ये कैसे रोटेट कर रहा है सर दिस रोटेट एंटी क्लॉकवाइज ये कैसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये कैसे कर रहा है सर दिस रोटेट क्लॉकवाइज अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करा तो ये कैसे कर रहा सर? दिस इज एंटी बोलो तो मेरे बच्चों ध्यान ध्यान से देखोगे, आपको पूरी के साथ दिखा रहा है, है। ये ड्राइवर, ये तो मेरे बच्चे से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब अगर आइडलर हमारा क्या होगा ऑड होगा तो मेन ड्राइवर एंड मेन ड्रीवेंट एव सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ओके सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ओके अगर आइडलर होगा आइडलर जो होगा ऑड नंबर में होगा तो इज दैट क्लियर नाउ अब अगर मैं बात करना चाहूं ना माई डियर फ्रेंड लुक एट दिस इफ द इज एन इवन नंबर इफ द आइडलर एन ऑड नंबर सो दिस द इज एन इवन नंबर नाउ लुक एट डियर फ्रेंड इफ द आइडलर एन इवन नंबर सो वन ड्राइवर आइडलर आइडलर ड्रिवन सो माई डियर फ्रेंड हमें पता है दिस इज ड्राइवर दिस इज द मेन ड्रिवन And these two are what? Idler. Okay. When the idler is an even, so you can see this. If this is the anti-clockwise, so this is the clockwise. Okay. You can see this. This is the clockwise. Okay. Now this is the anti-clockwise. So this is the clockwise. Okay. Look at this. If this is the anti-clockwise, this is the clockwise. That means main driver or main driven. Main driver and main driven. हैव डिफरेंट नो नो डिफरेंट डिफरेंट नहीं डिफरेंट नहीं अपोजिट बोलो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन और रोटेशन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ठीक है ना सो so, मेरे भाइयों आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि आइडलर नंबर जितना भी है तो कुछ भी हो ऑड नंबर होना चाहिए अगर वो नंबर में है या इवन नंबर में है ठीक है ना ऑड नंबर में है और इवन नंबर में है तो आपको देखना होगा किसको आइडलर को सो यू कैन सी आइडलर एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर ये क्लॉक है तो ये कैसे होगा ये क्लॉक है तो ये कैसे होगा अपने हिसाब से ठीक है ना तो ध्यान रखिएगा इस चीज को इस चीज को ध्यान रखिएगा गाइस सेशन को लाइक करते रहना सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा आप लोग ठीक है चलिए तो इतनी बात क्लियर है पहले बताइए मैंने आपको ये तीन चीजें पढ़ाई कॉम्बिनेशन ऑफ गियर कहते हैं गियर ट्रेन को वाई यूज द गियर ट्रेन बिकॉज द लार्ज वेलोसिटी रेशियो लार्ज सेंटर डिस्टेंस गियर ट्रेन में तीन चीजें होती है मेन ड्राइवर इंटरमीडिएट मेन ड्रिवन होती है और

अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हो मिसप्लेस से तो आप खुद से भी बना के चेक कर सकते हो ठीक है ना एक्सटर्नल गियर होता है तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो ये दोनों एक दूसरे का का अपोजिट अपोजिट ये ये दोनों एक का तो ये दोनों एक दूसरे तो क्या होगा सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ठीक है ना तो आप अपने आप चेक भी कर सकते हो यू कैन सी दिस ओके ना अब मैं आपसे बात करने वाला हूं मेरे भाई ये जो आपने देखा ये दोनों केस जो भी आपने अभी हमारे सामने गियर ट्रेन की बात की जो भी हमारे सामने आपने अभी गियर ट्रेन देखा इस गियर ट्रेन को हम लोग कहते हैं सिंपल गियर ट्रेन सिंपल गियर ट्रेन यस yes. इतिहास में बहुत सारे गियर ट्रेन हैं, तो मैं अब आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन ठीक है ना हमने अपने इतिहास में धीरे, धीरे 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 प्रोग्रेस करते करते कुछ टाइप्स बनाए गियर ट्रेन के तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन है जिसमें पहला आया सिंपल गियर ट्रेन सुनते रहिएगा सिंपल गियर ट्रेन दूसरा आया कंपाउंड गियर ट्रेन आपको तीन दिन बस फोकस करना है तीन दिन फोकस करना मैं गारंटी दे रहा हूं गियर ट्रेन रह के क्वेश्चन उड़ा दोगे ना बाई ट्रिक एंड बाई कॉन्सेप्ट इंटरनल गियर हो चाहे एक्सटर्नल गियर आप उड़ा क्या आओगे गारंटी दे रहा हूं है ना एंड तीसरा है रिवर्टेड गियर ट्रेंड ठीक है एंड uh, चौथा है मेरे भाई एपी साइक्लिक गियर ट्रेन सोना अब आपको तो पता ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एपीसाइक्लिक होता है रिवर्टेड होता है और कंपाउंड होता है सर सिंपल गेट रेन इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनता है और उनमें से भी अगर बात किया जाए तो तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कंपाउंड तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन है सिंपल गेट्रेन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है जो आज पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट अभी क्यों नहीं है उसको समझो पहले क्या रीजन है सो माई डियर फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल गियर ट्रेन के बारे में तो टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन में हमारे सामने जो पहला मौजूद है दैट दैट इज इज व्हाट द सिंपल सिंपल गियर ट्रेन अब बात हुई कि गियर ट्रेन बनाना है तो भाई सिंपल वर्ड का मतलब क्या है सिंपल गियर देखो सिंपल गियर कैसा होता था एक गियर से दूसरा गियर कनेक्ट तो गियर का ट्रेन बना दो सिंपल गियर का ट्रेन तो लाइन बाय लाइन सारे गियर क्या कर दो जोड़ दो ओके okay? ठीक है भाई तो भाई सिंपल गियर ट्रेन हम बनाने पहुंच गए तो हमने क्या किया हमने एक गियर के ड्राइवर को फिर आइडलर से फिर आइडलर को अगले ड्रिवन से जोड़ दिया ठीक है ना तो ये बन गया क्या सिंपल गियर ट्रेन क्या सर इतना ही सिंपल गियर होता है नहीं बेटा सिंपल गियर ट्रेन कितना बड़ा भी हो सकता है इसमें कोई वो लोचा नहीं है कितना बड़ा भी सिंपल गियर ट्रेन बना सकते हो ठीक है ना जस्ट लाइक दिस ठीक है ना या uh, yeah. सिंपल गेटरिंग तुम कितना ही बड़ा बना सकते हो बेटा ओके और आइडलर uh, बनाते हैं ओके दिस इज आइडलर ओके दिस इज आइडलर एंड या माय डियर फ्रेंड सी दिस सिंपल गियर ट्रेन कितना बड़ा भी बना सकते हो कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है तुम कितना बड़ा बना सकते हो तुमको बस एक बीच में आइडलर डालना है और ट्रेन बनाते रहना है इट ठीक है ना तो अपने हिसाब से तुम कितना बड़ा बना सकते हो जिसमें जो पहला होगा दिस इज व्हाट दिस इज द मेन ड्राइवर जो आखिरी होगा वो होगा मेन ड्रीवन ठीक है ना एंड दिस इज व्हाट दिस इज इंटर गियर ऑल्सो कॉल्ड आइडलर ओके अब मेरी बात ध्यान से सुनो थोड़ा अब थोड़ी सी ध्यान से, से मेरी बात सुन दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर एंड दिस वन इज फाइव नाउ बच्चा लोग सी दिस कितने आइडलर है? है तीन क्या होगा सर ऑड होगा ऑड होगा तो क्या होगा सर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन सॉरी सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑड होता है तो सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन इवन होता है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ठीक है चलिए सर अब मुझे यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल गियर ट्रेन में ध्यान सुन लीजिएगा दिस इज द सिंपल गियर ट्रेन अच्छा आपने अभी देखा गियर ट्रेन में हमारे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं क्या क्या गियर ट्रेन अगर हमने पढ़ना शुरू किया तो उसमें हमारे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई क्या क्या मैं आपको वही चीज दिखाने वाला हूं वो दो चीजें स्पीड रेशियो और ट्रेन वैल्यू अब मैं कह रहा हूं ट्रेन वैल्यू तो दुनिया निकालने की अगर मैं स्पीड रेशियो निकाल के दे दूं आपको तो बिल्कुल बोलो हाँ या ना यस सर स्पीड रेशियो आप निकाल के दे दो आप ट्रेन वैल्यू तो मैं खुद से निकाल लूंगा घर पे पर हाँ या ना तो भैया मैं जा रहा हूं सारे गियर ट्रेन का स्पीड रेशियो निकालने आज के बाद मैं जितने गियर ट्रेन पढ़ाऊंगा मैं कसम खाता हूं सबका मैं स्पीड रेशियो निकालूंगा बोलो हाँ या ना ठीक है ना यस और नो कैन ऑल टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड गियर ट्रेन और पर्टिकुलर गियर टाइप कार्तिकेन प्लीज सी दिस दस बीस मिनट के बाद अपने आप पता चल जाएगा कौन सी गियर ट्रेन यूज करनी है कौन सी नहीं करनी है फाइव इस को, इस को, 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 को ट्रांसमिट किया अगर मैं आपसे बोलू ना माइ डियर फ्रेंड लुकेट दिस इन दिंपल गियर ट्रेन देर है मेनी ड्राइवर मेनी ड्रिवेंट बट दिस इज द मेन ड्राइवर दिस इज द मेन ड्रीवेंट ओके डन नाउ First gear rotate another this type of rotation, if this type of rotation, so this rotation, if this is this rotation, this is this rotation. If this is in this rotation, this is this rotation, that means this, is this Okay, yes or no? Yes or no? Now this type of rotation will followed. Okay, now my dear friend, look at this. Look at this. The beautiful, the beautiful point is what? The first point is what? Yes, okay, sir.

Of all gear are same. Yes or no. The first point is the module of all gear are same. What is the module? Sir M1 is equal to M2 is equal to M3 is equal to M4 is equal to M5. Yes or no? Now okay, so my dear friend, look at this. He, मॉड्यूल ऑफ ऑल गियर आर सेम मॉड्यूल इज वॉट मॉड्यूल इज द रेशन नाइंट इज वी कैन चेक द स्पीड रेशियो स्पीड रेशियो ओकेट इज द स्पीड रेशियो सर ओमेगा ऑफ मेन ड्राइवर टू द ओमेगा ऑफ मेन ड्रीन ओके दिस इज द स्पीड रेशियो नंबर फ्रेंड एक चीज जरा ध्यान से देखो क्या सर आपने गियर रेशियो पढ़ा जी सर गियर रेशियो क्या होता है कोई बताएगा मुझे सर गियर रेशनियन यस सर टितियर टू दिथ ऑफ ओपिनियन अगर मैं इसी चीज को उल्टा करके लिखू ऐसे लिखू स्पीड ऑफ ऑपिनियन टू द स्पीड ऑफ गियर कोई दिक्कत सर हमने गियर रेशियो पढ़ा है हमको पता है मैंने जब गियर रेशियो आपको पढ़ाया था तो मैंने एक रिलेशन आपको यह दिखाया था मैंने यहाँ एक रिलेशन आपको दिखाया था जल्दी से जल्दी बताओ मैंने यहाँ आपको एक रिलेशन दिखाया था एक बार जल्दी से जल्दी, जल्दी बता दो ये रिलेशन मैंने आपको दिखाया था जब गियर रेशियो पढ़ाया था अगर नहीं पता चल रहा है तो एक बार पूछ लो अदरवाइज जाओ गियर रेशियो वाली क्लास देख लो आपको समझ में आ जाएगा टीथ टीथ ऑफ 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 गियर गियर टू 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 द द पिनियन पिनियन इज इक्वल टीथ डाया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डाया एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दैट्स वाई टीथ और स्पीड में जस्ट उल्टा का रिलेशन है अगर मैं कह रहा हूं स्पीड रेशियो तो स्पीड रेशियो का मतलब है स्पीड रेशियो का मतलब है तुम इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो ओमेगा ऑफ मेन ड्राइवर मेन ड्रिवेन या इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो एन ऑफ मेन ड्राइवर टू तो द एन ऑफ मेन ड्रिवेन पूछो क्यों Both are same. Both ratio are same. ठीक ना? कुछ भी लिख सकते हो और हमको पता है ड्राइवर इज एंड्रीवन इज गज इनवर्स यस सर टीथ इज इनवर्स सो माई डियर फ्रेंड ओमेगा क्या आएगा जैसे मान लो मेन ड्राइवर मेन ड्रीवन नहीं कुछ भी कर ले जैसे मान लो मेन मेन ड्राइवर का कोई खेल ना हो ऐसे हो जैसे यह चीज हो जाएगा एन ऑफ मेन ड्राइवर तो एन ऑफ मेन ये इसके तो बराबर हो गई अब जैसे मान लो अगर ओमेगा वन बाई ओमेगा टू है ओके इसका मतलब है टी टू बाई टी वन ये चीज क्लियर रखिएगा आप लोग कृपया करके ये चीज क्लियर रखिएगा क्योंकि ओमेगा जो होता है टीथ के इनवर्स होता है ये चीज हमेशा क्लियर रखेगा ओमेगा जो होता है टीथ के हमेशा इनवर्सली होता है हमेशा याद रखिएगा इज दैट क्लियर इतनी बात बताओ अगर ये इसके अपोजिट है तो फिर मैं जा रहा हूं सिंपल गियर ट्रेन का डेरिवेशन कर अब सुनो मेरी बात ये इसके जस्ट इनवर्सली होता है अब मैं जा रहा हूं इसका डेरिवेशन करने इसको साइड में रखते हैं इन स्पीड रेशियो में निकालना है सबको पता है अब मैं जा रहा हूं एक एक करके सारे पेयर को चूज करने और उससे करने तो वन ने टू को रोटेट किया यू कैन सी दिस एक ने दो को रोटेट किया फिर दो ने तीन को तीन ने चार को चार ने पांच को तो ऐसे ऐसे करके रोटेशन है वन ने टू को रोटेट किया और गियर वन एंड टू ओके okay, किसने किसको रोटेट किया सर वन ने टू को रोटेट किया वन ने टू को रोटेट किया दिस इज वन दिस इज टू ओके सी दिस सी दिस सी दिस फोकस दिस वन ने टू को रोटेट किया सो दिस इज द ड्राइवर दिस इज ड्रिवन ओके इफ दिस इज ड्राइवर दिस इज ड्रिवन दिस इज नॉट अ मेन ड्राइवर मैंने वन और टू की बात की दिस इज ड्राइवर दिस इज ड्रिवन ओमेगा ऑफ वन अपॉन ओमेगा ऑफ टू ड्राइवर अपॉन ड्रिवन या हम क्या देखने आए स्पीड रेशियो नाउ एट दिस अगर मैं बात करूं ओमेगा ऑफ वन अपॉन ओमेगा ऑफ टू दिस इज ये इन दोनों का क्या है स्पीड रेशियो है दिस दिस व्हाट स्पीड रेशियो ड्राइवर अपॉन ड्रिवन दिस इज द स्पीड रेशियो ऑफ वन एंड टू यस और नो बिल्कुल यहां लिखना मत इसको हम जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं ओमेगा का बिल्कुल सर तो टी टू बाई टी वन

ना टू एंड थ्री हो गया अब टू ने थ्री को घुमा दिया अब बारियर थ्री के फोर की गियर थ्री एंड फोर थ्री ने फोर को रोटेट कराना है दिस इज ड्राइवर दिस इज ड्रीवन ओके सो ओमेगा थ्री अपॉन ओमेगा फोर इज इक्वल टू टी फोर अपॉन टी थ्री नो एक बार बता दो थ्री बायर टी फोर थ्री दिस इज देशन थ्री ओके घुमाया फॉर गियर फोर एंड फाइव ओके लुक एट दिस लुक एट दिस द ब्यूटिफुल पॉइंट फॉर गियर फोर एंड फाइव थोड़ा सा इक्वेशन नंबर थ्री ओके फोर ने फाइव को रोटेट कराया दिस इज द फोर दिस इज द फाइव अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्या हो रहा इज द ड्राइवर दिस इज द ड्रीवन ठीक है ना देखो बेसिक से ही चलना है सब कुछ ध्यान से सुनना खींच देते हैं फोर फाइव का ओके ना ओमेगा फोर दिस इज द ड्राइवर ओमेगा फाइव दिस इज द ड्रीवेन टी फाइव अपॉन टी फोर दिस इज वॉट इक्शन नंबर नाउ माइ डियर फ्रेंड हम धीरे धीरे करते करते वन ने टू को टू ने थ्री को थ्री ने फोर को फोर ने फाइव को हमने दिखा दिया ओके डन अब मुझे क्या देखना है फाइनली हमें देखना क्या है गियर ट्रेन हम किस लिए लाए सर वेलोसिटी रेशियो देखने के लिए वेलोसिटी बढ़ाने के लिए स्पीड रेशियो देखने के लिए यस yes. हमारा फायदा क्या है गियर ट्रेन से हमारा बड़ा फायदा यह है वेलोसिटी रेशियो बढ़ जाएगा यस yes. हम यही उम्मीद के साथ गियर ट्रेन लेकर आए और इतिहास में पहला गियर बना डाले दैट इज द सिंपल गियर ट्रेन पहला गियर ट्रेन बना डाले ठीक है ना यस और नो यस और नो पहला गियर ट्रेन बना डाले मेरे भाई ध्यान से वन टू को टू ने थ्री को थ्री ने फोर को फोर ने फाइव को रोटेट कराया सुनो मेरी बात क्या सर अब हम देखने जा रहे हैं स्पीड रेशियो स्पीड रेशियो क्या होता है मेनली मेन ड्राइवर टू द मेन ड्रीवन मतलब स्पीड रेशियो हम देखने जा रहे हैं मेरे बच्चे ओमेगा वन का ओमेगा फाइव से मेन ड्राइवर टू द मेन ड्रीवन हमारा स्पीड रेशियो क्या कहता है कि हमें ढूंढना अपॉन अपॉन ओमेगा ढूंढना हमें यही तो ढूंढना है हम गियर में क्यों आए हम स्पीड रेशियो देखने आए हम गियर ट्रेन क्यों पढ़े हम स्पीड रेशियो बढ़ाने के लिए पढ़े बोलो या ना जी सर तो हम जा रहे हैं वन को फाइव से देखने तो हम कैसे देखें तो हमें दिमाग आया कि इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर सबको मल्टीप्लाई कर दो हमारे दिमाग आ गया कहीं से और हमने क्या करा हमने इक्वेशन वन मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर सबको मल्टीप्लाई कर नाउ लेफ्ट हैंड साइड अलग मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड अलग मल्टीप्लाई ओके यू कैन सी दिस वन अपॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय टू अपॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री अपॉइन फोर मल्टीप्लाई बाय फोर अपॉइंट फाइव Okay, this is the left hand side. Okay, now right hand side T2 upon T1 into multiply by T3 upon T2 multiply by T4 upon T3 multiply by T4 T4. Okay. See this 1 upon 2. Okay. Just a bit. Omega 1 upon Omega 2, 2 upon 3. ने कलर अलग अलग रखा है ताकि आपको पता चले इज इक्वल टू इफ दिस इज वन अपॉइंट टू सो टी टू अपॉइंट जस्ट अपोजिट टी टू अपॉइंट

ओके प्लीज सी दिस लेफ्ट हैंड का अलग मल्टीप्लाई राइट हैंड का अलग मल्टीप्लाई अब आपको जो अलग अलग कलर में देख रहे हैं पिंक कलर जितने भी आपको देख रहे हैं ये सारे कट जाएंगे बिल्कुल ओमेगा टू ने ओमेगा टू को थ्री ने थ्री को फोर ने फोर को, को कट किया टू ने इसको कट किया इसने इसको कट किया इसने इसको कट किया यस और यस और ना ओमेगा वन अपॉन ओमेगा फाइव दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा ऑफ ड्राइवर टू दा ऑफ मेन ड्रीवन यहां आप लिख सकते हो दिस इज द स्पीड रेशियो एंड दिस विल T1. हमें जो चाहिए था हम अपने इतिहास में हासिल कर लिए बोलो या ना. हमें जो चाहिए था हमने हासिल कर लिया एक बार बता दो या ना. हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए था स्पीड रेशियो नाउ माइ डियर फ्रेंड लुक एट दिस द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल लाइन यू कैन सी दिस ध्यान से से फोकस से, खोल लो पानी पी लो क्योंकि बहुत बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं सुनना सर दिस इज द स्पीड रेशियो या सर दिस इज डिपेंड अपॉन दिस विल दिस विल डिपेंड अपॉन टी फाइव एंड T1, okay. Now, this is the simple gear train. Yeah. The what is the speed ratio? Sir, omega of main driver to main driven. Okay. So this is what sir, T5 upon T1. So this will depend upon T5 and T1. अब चिंटू कहता है कि सर जी, अगर मैं speed ratio निकालना चाह रहा था main driver से main driven का, तो T5 से T1 निकल के आया। मैंने कहा अच्छा, तो कहता सर जी ये बताओ मैंने कहा क्या कहता स्पीड रेशियो में ओमेगा वन ओमेगा फाइव मतलब पहला और पांचवा टीथ फाइव और टीथ वन मतलब पांचवा और पहला सर जी ये बताओ चिंटू सेज सर जी ये बताओ इंटरमीडिएट गियर का क्या रोल है ओ एम जी इंटरमीडिएट गियर का क्या रोल है मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई ध्यान से देख स्पीड रेशियो में इंटरमीडिएट गियर का क्या रोल है कोई रोल है नहीं नो रोल ऑफ इंटरमीडिएट गियर। अरे मेरे भाई अगर मेरे को यही करना था तो मैं एक काम करता हूं मैं इसको रिमूव आउट कर देता हूं और पहला और पांचवा दिस इज द फर्स्ट दिस इज द फाइव मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं ओमेगा वन अपॉन ओमेगा फाइव टी फाइव अपॉइन टी वन वाई वी यूज इंटरमीडिएट गियर जेब का खर्चा लग रहा है सर जी वाई वी यूज दिस वाई वी यूज दिस दैट्स वाई सिंपल गियर ट्रेन इज नॉट इंपॉर्टेंट वाई वी यूज दिस जेब का खर्चा बढ़ाने के लिए नो no, सर एक डिसएडवांटेज है दुनिया का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सिंपल गियर ट्रेन के अंदर है बिकॉज स्पीड रेशियो हमें पता करना था वो स्पीड रेशियो में कोई हेल्प नहीं किया इंटरमीडिएट गियर ने नथिंग 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 कोई हेल्प नहीं कोई हेल्प नहीं क्या कुछ स्पीड रेशियो नहीं बढ़ा स्पीड रेशियो जितना पहले का है उससे पांचवे का मैं तो सिंपल के बता देता इसीलिए इस गियर ट्रेन का नाम रखा गया सिंपल टाइप ऑफ गियर ट्रेन सिंपल गियर की तरह ही है ये सिंपल गियर की तरह ही है, बस कहते हैं ना एक एक डिसएडवांटेज है तो छोटा सा एक एडवांटेज भी है इसका क्या फॉर लार्ज सेंटर डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन फॉर लार्ज सेंटर डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन एक बार सभी लोग बता दो समझ में आया ठीक है ना फॉर लार्ज सेंटर डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन यस फॉर लार्ज सेंटर डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन यू कैन यूज सिंपल गेट है अदरवाइज ये किसी का आम का नहीं है अदरवाइज ये किसी का आम का नहीं है ये किसी का आम का, का नहीं है बता रहा हूँ न किसी काम का नहीं है. गियर ये किसी काम का दिस इज द दर्स्ट गियर ट्रेन किसी काम का किसी लायक नहीं है ये ओके okay. ये किसी लायक नहीं है वर्ष गियर ट्रेन बेकार समझ में आया वाई दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड वाई दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज एक गलती के बाद असिस्टेंट तुरंत समझ जाता है कि बॉस को अब इतनी सारी खुशियां देनी है एक गलती के बाद असिस्टेंट समझ जाता है बताओ जल्दी से जल्दी बताओ मजा आया सिंपल गेट सुनने में मजा आया सिंपल गेट सुनने में सेशन को लाइक करते रहे ठीक है ना सो व्हाट इज द एडवांटेज सर फर्स्ट पॉइंट वेलोसिटी रेशियो ऑल्सो कॉल्ड स्पीड रेशियो चेंज ओके okay. क्या है दिस इज डिस बेटा डिसएडवांटेज होगा ही भाई हम गियर ट्रेन किस लिए रेशियो बढ़ाने के लिए अरे कर क्या रहा है वैसे का वैसे ही है सेम टू सेम है सेकेंड द एडवांटेज लार्ज सेंटर डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन लार्ज सेंटर डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन एंड दिस इज डिसेज दिस इज एडवांटेज हमें ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए ये ज्यादा मैटर करता है रेशियो तो ये ये तो हम कर ही सकते हैं ठीक है ना बात समझ में आ गया पहले बताओ समझ गया ना ये हुई ना बात ओके ये हुई ना बात एक बार बताओ जल्दी से क्लियर है क्लियर है एक बार आग लगा दोगे कमेंट बॉक्स में क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दोगे एक बार बता दे रहा हूं बवाल 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 बवाल, बवाल. यस yes, क्लियर है क्लियर है क्लियर है तो एक बार बता दो तो सिंपल गियर ट्रेन की अगर मैं बात करना चाहूं बच्चों तो मैंने आपको यही चीज बताया अभी सिंपल गियर ट्रेन का क्यों यूज करते हैं ओके okay. वहां भी देख लो स्पीड रेशियो और ट्रेन वैल्यू मैंने बता दिया है तो ये तो चीजें मैंने आपको अभी पहले क्लियर ही की थी और यहां कुछ पॉइंट्स हैं इसको भी आप पढ़ सकते हैं यू कैन सी दिस कि इंटरमीडिएट गियर आल्सो कॉल्ड आइडलर गियर दे डू नॉट एफेक्ट द स्पीड रेशियो सिंपल गियर ट्रेन का सबसे बड़ा पॉइंट यही है ठीक ना इन, यहां मैंने लिखा हुआ है इंटरमीडिएट गियर आल्सो कॉल्ड आइडलर गियर एज दे डू नॉट डू नॉट अफेक्ट द स्पीड रेशियो और ट्रेन वैल्यू ऑफ द सिस्टम ठीक है ना सो दिस इज व्हाट दिस इज द डिसएडवांटेज ठीक है ना यही चीज मैंने वहां लिख दिया है ये पॉइंट में यहां मैंने लिखा हुआ है आइडलर गियर आर यूज फॉर फॉलोइंग टू परपज किस लिए यूज करते हैं टू कनेक्ट गियर वेयर द लार्ज डिस्टेंस रिक्वायर्ड ओके एंड टू ऑपटेंट द डिजायर डायरेक्शन ऑफ़ मोशन। या टू ऑपटेंड डिजायर डायरेक्शन ऑफ मोशन ओके क्लॉक या एंटी क्लॉक आपको जो चाहिए उसके लिए हम यूज करते हैं तो दो डिसेज है और एक डिस एक एक दो एडवांटेज एडवांटेज यहाँ में मैंने ये सारा लिख दिया है बच्चा लोग आपके लिए ठीक है ना पॉइंट में यहां नोट करके भेज दिया आप लोग नोट्स में एक बार देख लेना इतना बताओ एक बार क्लियर है अरे बाबा पचास लाइक तो बनता है ना पचास लाइक तो सर जी इसके लिए बनता ही है ना हाँ जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी नहीं हार सकता पता है कि नहीं ये बात जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी नहीं हार सकता ठीक है ना इसीलिए मैं आपके लिए ध्यान लेकर आ रहा हूं बारह बजे दिन में और एक बजे दिन में आपके लिए स्पेशल क्लास उम्मीद टेस्ट सीरीज बारह बजे दिन में और एक बजे दिन में एक घंटे के बाद ओके एक घंटे के बाद हम यहां देखेंगे बेटा दो टेस्ट होगा तो दो टेस्ट को आज जल्दी से जल्दी देख लेना इतना बताओ क्लियर है सभी को बारह बजे दिन में सभी लोग आओगे और पासवर्ड क्या लगाना है पासवर्ड इज व्हाट पासवर्ड इज़ इजोलाइन और 12 बजे वाली क्लास का लिंक आपको कमेंट में दिख रहा होगा कमेंट बॉक्स में क्लिक करना है ये वही लिंक है ये वही लिंक है उस लिंक को क्लिक करना है और हमारे साथ जुड़ जाना है उस लिंक को क्लिक करना और हमारे साथ यहां जुड़ जाना है मेरे बच्चे बारह बजे हमारा पहला टेस्ट एक बजे हमारा दूसरा टेस्ट उम्मीद टेस्ट सीरीज किसके लिए एचपीसीएल एचएएल यूपीआरएनएल आरवीएनएल यहां हमारा टारगेट है आवर टारगेट इज व्हाट अवर टारगेट इज 2000 न्यू क्वेश्चन ठीक है ना 2000 न्यू क्वेश्चन 2000 नए क्वेश्चन का वादा है आपसे ठीक है ना जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाना होगा बेटा आपको हर एक टेस्ट में कितने क्वेश्चन लेता हूं 50 टेस्ट 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ईच टेस्ट ना पचास क्वेश्चन में हर एक टेस्ट में ले रहा हूं एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर डिफरेंट ठीक ना इन वन टेस्ट तो मेरे प्यारे भाइयों हो सकता है पचास क्वेश्चन एक में तो आई थिंक आप समझ सकते हो चालीस टेस्ट हो सकता है और एक दिन में मैं दो से तीन टेस्ट ले रहा हूं तो अप्रॉक्स आपका पंद्रह से बीस दिन के अंदर यह चीज खत्म हो जाएगा पंद्रह से बीस दिन के अंदर यह टेस्ट खत्म होंगे दो नए क्वेश्चन देख लोगे एग्जाम एच एल रहो दिस इज वॉट फ्री 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 ये सिर्फ और सिर्फ फ्री है इसका एक भी चार्ज नहीं है सब फ्री है तो मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को यहां आना है ध्यान रखना है एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर योर फिफ्टी वन लाइक थैंक यू नाउ माई डियर फ्रेंड ये चीज ध्यान रखोगे कि बारह बजे दिन में और एक बजे दिन में टेंशन मत लो आज के बाद एक भी टेस्ट नहीं छोड़ूंगा डेली क्लास होगी उसके लिए टेंशन मत लो ठीक है ना जो दो पिछले दो दिन में मैंने ज्यादा क्लासेस नहीं लिए मुझे भी पता है ठीक ना थोड़ा सा इमरजेंसी हो जाता है तबीयत खराब हो जाती है वो मेरे को भी नहीं पता होता है ठीक है ना बट सब सही है बेस्ट है सब चल रहा है एकदम खुश रहो आवाज रहो हमेशा मेरे बच्चे चौदह अप्रैल आज है बारह बजे दिन में चौदह अप्रैल को एक बजे दिन में ये दोनों क्लास होने वाली है ऊपर में लिंक दिया है एकदम उड़ा दो जल्दी से जल्दी ऊपर में लिंक दिया फटाफट सभी लोग क्लिक करके पासवर्ड लगाना और जुड़ जाना और एक बार मुझे आप लोग बता दोगे कमेंट बॉक्स में गियर ट्रेन पढ़ के आज वाली क्लास देखकर कैसा लगा आज तो सबसे वर्स्ट गियर ट्रेन पढ़ाया मेरे बच्चे जिस दिन सबसे बेस्ट गियर ट्रेन पढ़ाऊंगा सोचो उस दिन कैसा मजा आएगा ठीक है ना तो कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले द बेस्ट गियर ट्रेन दैट इज कंपाउंड गियर ट्रेन Gear train. फिर उसके बाद परसों हम लोग बात करेंगे कल तक ठीक ना? तो उसके साथ भी लगे रहना और यहाँ द्वार्टे, लिखा हुआ जुड़े रहो और सारा नोटिग्राम चैनल पर आपको दिया जा रहा है एक बार वहां भी जाकर जुड़ जाओगे और आज दिन में बारह बजे और एक बजे हमारे साथ आओगे यहाँ आलोक लाइव पे ठीक है ना और ये लिंक मैंने आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल पर भी अभी अभी डाल दिया यही मैसेज आपको आलोक लाइव पे दिख रहा होगा सेम टू सेम मैसेज आपको आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल में भी देख रहा होगा बेटा दो नए क्वेश्चन करने का वादा है आज हम लोग आठवां टेस्ट करने वाले हैं एर्थ टेस्ट मतलब आज हम लोग आठवां और नौवां करेंगे मतलब साढ़े चार सौ क्वेश्चन हो जाएगा आज टोटल साढ़े चार सौ हो जाएगा आज ठीक है मजा आया थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो दिन में आना भूलना नहीं आप लोग आप लोग आना भूलना मैं टाइम देख लो एक बार बारह बजे और एक बजे ऊपर दिया गया लिंक है पिन किया हुआ लिंक है उसको क्लिक कर लो अगले क्लास का एक बजे क्लास का लिंक मैं आपको अगली क्लास में, दे दूंगा। क्लास में आपको ये लिंक मिल जाएगा। आप पहले यहां आओ ठीक है ना तो बारह लोग तो क्लास में आओ सभी लोग ओके ना गाइज अगर आप प्लस पे या पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लस पे आपको डाउट सॉल्विंग सेशन वीकली टेस्ट क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस रैंक इंप्रूवमेंट बैच इंग्लिश हिंदी बैचेस

ठीक है ना और इस समय दस परसेंट गया इस समय तो बारह महीने पे पंद्रह महीना मिल रहा है बारह महीने के फीस पे तो इसका मतलब पच्चीस परसेंट ऑफ मिल रहा है बच्चे ठीक है गेट एंड गोल में गेट सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए बारह महीने का प्लान अठारह महीने का प्लान और चौबीस महीने का प्लान आप देख सकते हैं यूज माई कोड आलोक लाइव आप आलोक लाइव कोड यूज कर सकते हैं मेरे बच्चे ध्यान से ठीक ना आपको ट्वेंटी में बारह महीने प्लस तीन महीने ठीक है थ्री मंथ फ्री, फ्री मिल रहा है मेरे बच्चे बारह महीने पे तीन महीने फ्री मिल रहा है पंद्रह महीने का टोटल है सब्सक्रिप्शन टोटल पंद्रह महीने का सब्सक्रिप्शन है मेरे बच्चे प्लस तीन, महीने का ठीक है ना अठारह महीने और चौबीस महीने पे ये ऑफर नहीं है ओनली फॉर ट्वेल्व मंथ दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर ट्वेल्व मंथ माई डियर फ्रेंड दिस ऑफर इज वैलिड नाउ ओके नाउ आइकोनिक की अगर मैं बात करना चाहूँ मेरे बच्चे ट्वेंटी फोर मंथ एंड ट्वेल्व मंथ प्लान है आलोक लाइफ कोड लगा के आप हमारे साथ यहाँ भी जुड़ सकते हैं ओके ठीक है तो बच्चा लोग इसी तरीके से ज्वाइन करते रहो और टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ो जुड़ो क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे क्लास के नोट्स मिलते हैं पीडीएफ मिलता है अब पीडीएफ और नोट्स का तरीका चेंज होने वाला है जल्दी ही आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जिसपे पीडीएफ और नोट सब कुछ लाइन बाय लाइन मिलेगा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ उसको क्लिक करना है और अपने आप आपके पास डाउनलोडेड ऑप्शन आ जाएगा ठीक है ना तो माय डियर फ्रेंड इसको स्कैन करके आप लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाओ बहुत मजा आने वाला है मैं सीरियसली बता रहा हूं एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देने वाला हूं इंतजार करना उस चीज के लिए ठीक है और रात में ग्यारह बजे जो सोम चल रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है आज से और आज का चैप्टर है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तो आज की क्लास लेना बहुत जरूरी है आपके लिए भी और उम्मीद टेस्ट सीरीज दिन में बारह बजे आपके लिए आ रहा है आज, 12 पी ठीक है ना ऊपर दिए गए लिंक में कमेंट बॉक्स में ऊपर लिंक दिया उसको क्लिक करके जुड़ जाओ एंड 12 महीने पर 18 महीने का 12 महीने पे 15 महीने का टोटल सब्सक्रिप्शन है 12 महीने का लोगे है तीन महीना फ्री मिलेगा ठीक है ना जितने बच्चों ने 7 तारीख तक लिया था उनका बढ़ गया होगा कल ही बढ़ गया होगा सभी लोग अपना चेक कर लें ठीक है ना उनका कल ही बढ़ गया होगा एक बार अपना आप चेक कर लीजिएगा अप्रैल में अगर आपने लिया तो आपको जुलाई सो कर रहा होगा पंद्रह महीने का हो गया वो सब्सक्रिप्शन ठीक है ना अगर आपने बारह महीने का लिया तो पंद्रह महीने का दिख रहा है बेटा बेस्ट है इंटरव्यू प्रोग्राम भी हो जाएगा अगले साल तो और ऑफर कोड है बेटा लोक लाइव कोड लगाने के बाद एक बार मुझे जरूर बता देना ठीक है ना और जल्दी से जल्दी ले लो क्योंकि ये ऑफर भी खत्म हो जाएगा आई थिंक पंद्रह से सोलह तारीख तक ये भी खत्म हो जाएगा ठीक है ना आई डोंट नो मेरे को भी नहीं पता है पंद्रह तारीख तक होगा कि क्या होगा तो जल्दी से जल्दी ले लो बस मैं ये कहूंगा ताकि आप तीन महीने का मजा ले सको ओके चलो सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो एंड uh, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं करें थैंक यू मेरे लाल ओके सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड मिलते हैं हमेशा खुश रहिए जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए विल मीट द नेक्स्ट 12 पीएम uh, आज हम मिलेंगे उम्मीद टेस्ट सीरीज में क्योंकि उम्मीद अभी बाकी है मेरे दोस्त जो उम्मीद के साथ जीता है वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है ठीक है हमेशा खुश रहिए आगे बढ़ते रहिए टिल देन एंजॉय बाय तब तक ले सभी को जय हिंद जय जै भारत